अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका सईद अली बावा और आप इस वक्त देख रहे हैं बीएफपी टीवी। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में इंसानियत की खिदमत करने वाले लोगों को हमारे दोनों चैनल आपको पता है हमेशा सलूट करते हैं और हम आपके तक इसी तरह की कोई न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसमें इंसानियत का भला हो, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाया जाए। जानते हैं जी, मेरा इदारा और स्पेशली मैं सईद अली बावा, हम टीचर्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हमेशा सलूट करते हैं। हमारे साथ ये तकरीबन सारे मेडिकल के लोग हैं, डॉक्टर साहबान हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो व्यूअर्स हम आज इन्हें सलूट करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर साहबा, डॉक्टर बुशरा साहबा भी मौजूद है, कुछ थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं, थोड़ा सा कुछ हमें बताएं ना जी। मैं ये बताऊंगी कि हमारे डिपार्टमेंट में न सिर्फ हम बल्कि इस वक्त तमाम पूरे पाकिस्तान में और पूरे पिंडी में हम तमाम प्राइवेट प्रैक्टिशनर को भी अपने साथ लेके काम कर रहे हैं। इस वक्त तक हमने 4000 डॉक्टर्स को ट्रेन कर दिया है टीबी पे और अभी 2023 तक इंशाल्लाह 7000 डॉक्टर्स को हम अपने साथ लेके चलेंगे। तो हम चाहते हैं, क्योंकि ट्रेजिडी ये है कि इसका इलाज मौजूद है लेकिन हम तक पेशेंट नहीं पहुँच पा रहे, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि काइंडली किसी को भी कोई इस तरह के सिम्टम्स मौजूद हैं तो हमसे कांटेक्ट करें और हमारे कंसर्न जितने भी डॉक्टर्स हैं हम उनसे उनके साथ फी और कम मतलब कम पैसों पर उनका इलाज करवाएंगे। डॉक्टर साहब एक बात हमें और भी बताए ना, ये जो मरीज होते हैं ये डॉक्टर के पास जाने से डरते क्यों है? आपकी तंजीम बिल्कुल फ्री इलाज कर रही है, कोई पैसा पाई नहीं ले रही है, लेकिन मरीज मैं भी अक्सर हॉस्पिटल के अंदर देखता हूँ, मेरे मुशाहदे में ये चीज आती है जैसे कैंसर के पेशेंट है ये वो पंजाबी गाने जिसे बिल्कुल मंजी लग जाता है तो लतीफा मशहूर है, इन्हें बचना नहीं, लाहौर ला जाओ, तो वो फिर आप लोगों के पास आते हैं, तो उसकी कोई बताए ना कि आ जाए, कुछ भी नहीं कहते डॉक्टर। दरअसल हमारे लोग समझते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो हमारी फीस भी होगी, टेस्ट भी लिख कर देंगे, फिर इलाज होगा और वो खुद अपनी ट्रीटमेंट खुद कर रहे होते हैं, खुद ही कर रहे होते हैं। अगर बुखार है तो बुखार की दवा ले लेते हैं, खांसी है तो खांसी की दवा ले लेते हैं और ये हर महीने हर हफ्ते इस तरह से कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमने उनके लिए है कि हमने फार्मेसीज में भी हमने लोगों को ट्रेन किया है कि अगर इस तरह का मरीज जो आपके पास हर हफ्ते हर महीने एक ही दवा लेके जा रहा है, चाहे वो खांसी की लेकर जा रहा है या बुखार की लेकर जा रहा है, उनको भी हमारे पास भेजें और हम उनको भी उनको हमारे पास भेजें ताकि हम उनको बर वक्त उनका टेस्ट करा रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता टीबी है तो हम उसका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ये अवेयरनेस हम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये लोग जी, और मैं हमेशा कहता होता हूँ जो फी सबीलिल्लाह लोग काम करते हैं, जज्बे से काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी जितना कर सकती है कर रही है। ग्रीन स्टार ये जो एक एनजीओ है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे बच्चे, ये आपके दरवाजे तक आने के लिए भी तैयार हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है इंशाल्लाह हमारे दोनों चैनल पे इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मेरे भाई का मोबाइल नंबर चल रहा है और उसके अलावा भी अगर इनका नंबर ना मिले तो अल एहसान हॉस्पिटल भी हमने आपको बता दिया है। तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारे दोनों चैनल्स पे आपको कहीं भी हैं आप हमसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह इन भाइयों तक हम अप्रोच कर देंगे, इलाज करवाएं। और ये जो पोलियो वर्कर्स पर बहुत सारे इलाकों में आप लोग व्यूवर्स जो देख रहे हैं हमले करते हैं, मारते हैं, खुदा का वास्ता इस बेवकूफ़ी से निकलें। ये वो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि पोलियो के जो 3 ड्राप बच्चों को पिलाते हैं उसे आप मामूली ना समझें, वो 12 बीमारियों का इलाज होते हैं जिसमें गालबन टीबी भी शामिल होगी। तो ये 3 कतरे मुफ्त में नहीं आते, इसके पीछे गवर्नमेंट का पैसा लगता है, उसकी वर्किंग लगती है। तो बात तवील हो जाएगी, साथ दें, आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द अहबाब में रिश्तेदारों में कोई भी किसी भी मर्ज में समझते हैं मुबतला है तो किसी करीबी लैब पे जाके उसका 1500-2000 का टेस्ट करा ले ताकि वो क्लियर हो जाए, ना कि मैंने कैंसर के वो मरीज़ देखे हैं जिन्हें 40-40 साल तक यही नहीं पता चला कि मुझे कैंसर है और काली मिर्चें खिला दो, नमक चिटा दे दो, ये कर दो, और वो बेचारे जब फिर हॉस्पिटल में जाते हैं फिर इन डॉक्टर्स को गालियाँ देते हैं जी ये इन्होंने हमारा इलाज नहीं किया, बंदा मार दिया। तो भाईजान बंदा जब जख्मी होता है मारा जाए तो फौरी ला के अस्पताल पहुँचो। तो हमें इजाज़त दें जनाब, देखते रहें टैलेंट स्टार टीवी, देखते रहें बीएफपी टीवी।